विक्रम अगेन, मैं इस बार आपके लिए JBL फिर से लाया हूं। JBL में आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ईऑन सीरीज में 615 मॉनिटर्स, जो कि एक 15 इंच का मॉनिटर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको वीडियो में चलते चलते बताऊंगा। इसको हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं। इसमें ब्लूटूथ का फीचर है, वो कैसे काम करेगा मैं आपको बताऊंगा, और बाकी सारे फीचर्स भी मैं आपको इसके वीडियो के एंड तक बता ही दूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस हैपन्स टू बी JBL ईऑन 615 पावर्ड स्पीकर्स। ये हरवन ग्रुप की तरफ से बनते हैं। दीज आर मेड इन चाइना एंड डिजाइंड इन USA। ये ग्रीन एज को सपोर्ट करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और ये लगभग बॉक्स के साथ इसका वेट 21 kgs है। विदाउट बॉक्स ये 17 kgs का हो जाता है। इस पे थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है, इसका प्राइस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट है। चलिए इसे अब ओपन कर रहे हैं हम लोग। सो गाइस, इस बॉक्स को अब मैं ओपन करने जा रहा हूं। इस वाले बॉक्स के अंदर और एक पैकेजिंग है जो इस टाइप की है। चलिए अब आपको ये बॉक्स दिखा देता हूं क्लोज लुक। सो गाइस, दिस इज द इंटरनल बॉक्स। इस पे स्पीकर का फोटो छपा हुआ है, JBL का ब्रांडिंग लगा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं एक कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार शेप दिया हुआ है। ये क्या काम करेगा मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। इसमें कई सारे लैंग्वेजेस में इसके फीचर्स और प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर 15 इंच का स्पीकर है, 350 वॉट्स का, और 150 वॉट का ट्यूटर है। लेकिन इसका पीक वैल्यू जो है वो 1000 बनता है। ये 17.7 kgs है और बॉक्स के साथ 24 kg बनता है। ये मल्टीपर्पज़ है, मतलब आप इसको सब ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर बोल के भी, और स्पीच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आएगी। ब्लूटूथ एनेबल्ड के कारण आप इस पे फ़ोन भी अपना डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा मैं ये फीचर की बात कर रहा था, ये फीचर है 90 to 60 डिग्री एंगल के लिए, यानी कि अगर आप साइड से देखें तो ये जो एंगल है, इससे जो हमारी आवाज़ जाती है वो 60 डिग्री के एंगल में फैलती है, और ये जो है हमारा एक ऊपर और एक नीचे ऐसे करके 90 डिग्री में आपको ये वॉल्यूम सर्कुलेट कर देगा। यानी ऑल इन ऑल ये सब वूफर भी बहुत अच्छा बजेगा, स्पीच के लिए तो बेस्ट रहेगा, और मॉनिटर में तो जवाब ही नहीं है। इसकी बैक साइड देख लीजिए, बॉक्स पे बैक साइड में लिखा हुआ है हियर द ट्रुथ JBL नाम से, ब्लूटूथ कंट्रोल वगैरह वगैरह। इसका बैक पैनल छपा हुआ है जो कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और ये रहा इस बॉक्स का लास्ट साइड, इस पे भी सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, और लिखा हुआ है कि रेवोल्यूशनरी है, नया है। जैसे कि मैं जानता हूँ 2014 में इसका लॉन्च हुआ था स्पीकर का, तो उसके लॉन्च से पहले JBL ने इस वाले मॉडल पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं अब क्या है। इसका मैनुअल है, ये रहा हमारा फाइनल बॉक्स जो कि ये वाला है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूं। तो गाइस, हम लोग इसको अभी ओपन करने वाले हैं। सो फाइनली हमारे पास हमारा स्पीकर आ चुका है। अब इसको मैं आपको क्लोज लुक दिखा रहा हूं इसका। गाइस, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसको आप ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ एक हैंडल दिया हुआ है, ऐसा ही हैंडल एक नीचे है, और दो हैंडल इसको साइड में दिए हुए हैं, तो टोटल 4 हैंडल का इस पे सेट बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ इसको पैडिंग दिया हुआ है। अगर आप इसे मॉनिटर के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप इसे इस टाइप से भी लगा सकते हैं, ये खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा।
जैसे कि आप इसकी ग्रिल देख रहे हैं, इसमें JBL का नाम एनग्रेव्ड है। इस नाम को ना मैं हटा सकता हूँ ना हिला सकता हूँ। और इसी तरीके से इसके बैक पैनल पे भी आप यहाँ देख सकते हैं JBL का ब्रांडिंग दिया हुआ है, JBL प्रोफेशनल। इसके बाद बैक पैनल में इसका पूरा सर्किट है, क्योंकि ये पावर्ड सबवूफर है या पावर्ड स्पीकर है, तो इसके बैक पैनल में ही इसकी पूरी एनर्जी छुपी होती है। ये 15 इंच का 350 वाट वाला स्पीकर है, इसमें 150 वाट का HF लगा हुआ है। इसको चलाने के लिए ये पूरा PCB दिया हुआ है। इसमें हमें 2 माइक्रोफोन इनपुट करने के लिए या लाइन इन या ऑक्सिलरी इनपुट करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। इसके बाद एक मास्टर लिमिटर है, वॉल्यूम कंट्रोल है मास्टर का। इसके बाद अगर इससे मुझे आउटपुट किसी और सबवूफर में या मॉनिटर में देना है तो मैं यहां से देख सकता हूं। ये लाइन का केबल है, यहां से इसका ब्लूटूथ ऑप्शन ओपन हो रहा है, यहां से इसका इक्वलाइजर प्रीसेट ओपन हो रहा है। इक्वलाइजर प्रीसेट के थ्रू यहाँ 4 ऑप्शन दिखते हैं, मेन यानी स्पीकर, मॉनिटर यानी हम लोग इसे फीडबैक के लिए यूज कर सकते हैं, सबवूफर यानी कि आप इसे बेस के लिए यूज कर सकते हैं, और लास्ट स्पीच यानी कि आप स्पीच देने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये इक्वलाइजर का स्विच है, इक्वलाइजर ऑन या ऑफ करने के लिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इसे स्टार्ट करके बजा के देखते हैं एक बार। सो गाइस, मैंने अब अपना फोन इसे कनेक्ट कर दिया है। इसके लिए एक ऐप होता है जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट करेंगे, उस ऐप का नाम है JBL Eon। वो आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं और उस पे आप मेरा दिया हुआ 5-स्टार रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको अब टेस्ट करता हूं थोड़ा सा। ये पहले मैं इसे मेन मोड पे रख रहा हूं, स्पीकर मोड पे। कमाल का बेस पंच आ रहा है। अब मैं इसे मॉनिटर मोड पे रखूंगा, इसे हमें जस्ट एक बटन क्लिक करना होता है। तो बेस अभी भी कायम है, वॉल्यूम का जो थ्रू है वो काफी दूर तक मुझे फील हो रहा है। अब मैं इसे सबवूफर मोड पे बजाऊंगा तो शायद इसका बेस गायब हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसका सबवूफर बंद कर दिया है तो अब ये सिर्फ मीड और ट्रबल में बज रहा है, इसका बेस बंद हो चुका है। अब मैं इसे मीड के लिए भी यूज कर सकता हूं। और लास्ट वाला मोड देखते हैं, स्पीच मोड। इसमें सारे कंटेंट्स आएंगे, आपके स्पीच में बेस, मिड, ट्रबल तीनों आने चाहिए। पहले में और अब में बजने में सिर्फ ये अंतर मुझे लगा कि इसमें अब मिड्स और ट्रबल थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि स्पीच में हमें उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। बेस थोड़ा सा कम हो गया है, पंची कम हो गया है, और वही स्पीकर मोड पे बेस ज्यादा पंच देगा हमें। ये स्पीकर मोड पे है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर और कमेंट कर ही देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।